कोरोना से अमवात और मरीज मजीद बढ़ गए। लाहौर में मूसी वायरस का शिकार 6 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान शहर से 304 नए मरीजों की तस्दीक। पंजाब असेंबली के भी मजीद 4 मुलाजमीन का टेस्ट मुस्बत आ गया। अभी तक पंजाब असेंबली के 21 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हो चुके। शहर के मजीद 12 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग की 12 गलियों में आवाम की नकलो हरकत महदूद। दाखिली और खारिजी रास्तों पर पुलिस की नफरी तायुनात। दुकानें और मार्केट सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। वकीलों ने भी स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत कर दी। डीसी लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात के दौरे करते रहे, कोरोना एसओपीज का जायजा लिया। तालीम ने भी कोरोना की दूसरी लहर को खतरनाक करार दे दिया। डॉक्टर मुरादराज कहते हैं तालीमी इदारों को बंद करना है या नहीं, फैसला कुछ रोज में होगा। तलबा और असातिज़ा की सेहत पर खतरा मोल नहीं ले सकते। कोरोना पर जो भी ज़ाबता इखलाक बनाएंगे प्राइवेट स्कूल्स को मानना पड़ेंगे। एसओपीज पर अमल ना किया तो कोरोना मजीद फैलेगा। तलबा, असातिज़ा, आम शहरी हर सूरत मास्क पहने। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक हफ्ते बाद भी सब्सिडाइज घी गायब। शहरी 30 रुपए की सब्सिडी से महरूम, महंगा घी खरीदने पर मजबूर। सब्जी चिकन भी आवाम की पहुंच से बाहर। ब्रॉयलर 313 रुपए फी किलो दस्तयाब। आलू 120, प्याज 80, टमाटर 160 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 300, अदरक 500 रुपए किलो से। मार्केट में आटा चीनी की सप्लाई में बेहतरी। दरामदी बारीक चीनी 83 रुपए किलो फरोख्त। महंगाई से सताए शहरियों का कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नई पेशरफ्त। हमजा और सलमान शहबाज के घोस्ट अफराद से कारोबारी तालुकात का इंकशाफ। बरतानिया में मुकीम घोस्ट अफराद से 29 लाख डॉलर की फॉरेन टीटी की लेन देन की गई। उस्मान एक्सचेंज कंपनी के रास्ते इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग का खेल खेला गया। घोस्ट अफराद में मोहम्मद शकूर परवेज, अनीस मुगल, नूर आलम घोस्ट करार। बैरून मुल्क मुकीम अफराद का नादरा से भी रिकॉर्ड ना मिला। नैब जराए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में पेश ना किया जाए। अदालत का बाप बेटे को बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला और एसपी सिक्योरिटी एहतसाब अदालत पेश। एडमिन जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ को तिब्बी सहूलतें न मिलने पर नून लीग ने असेंबली में करारदाद जमा करा दी। शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। जज अमजद नजीर चौधरी 9 दिसंबर को समाअत करेंगे। राबिया इमरान और अली इमरान पर 2 करोड़ रुपए, 47 लाख रुपए करप्शन का इल्जाम। शहबाज शरीफ के दामाद ने जेर तामीर इमारत के गैर कानूनी किराए वसूल किए। इमारत साफ पानी प्रोजेक्ट के लिए दी गई थी। नैब हुकाम का मौकिफ। मरकजी मुलजिम वसीम अजमल भी रेफरेंस में नामजद। चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस कासिम खान के शानदार इकदाम। मातहत अदालतों में 9 नवंबर से 14 नवंबर तक 59,000 केसेस के फैसले सुना दिए गए। सिविल अदालतों ने 6 रोज में 44,779 केसेस निपटाए। पंजाब की सेशन अदालतों ने 14,895 केसेस के फैसले सुनाए। साइलीन और बुकला की जानिब से चीफ जस्टिस कासिम खान को खिराज तहसीन। लाहौर में 2200 शिकायत मौसूल हुई। 60 दिनों में तमाम शिकायत को निपटा दिया गया। वफाकी मोहतसिब से मुतालिक आवाम को आगाही दे रहे हैं। बाबदा सुई गैस समेत दीगर इदारों के खिलाफ शिकायत सुनी जाती हैं। वफाकी मोहतसिब सैयद ताहिर शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंगल बुक पॉलिसी के खिलाफ ताजर डट गए। उर्दू बाजार के ताजरों का दुकानें बंद करके एहतजाज। सदर अंजुमन ताजरान खालिद परवेज कहते हैं हुकूमती पॉलिसी से 4 लाख अफराद का रोजगार मुतासर होगा। हुकूमत निसाब की तब्दीली के लिए 1 साल का वक्त दे।
शहर की सड़कों पर लाखों मोटरसाइकिल हादसा की बड़ी वजह करार। 83% हादसा का शिकार अफराद मोटरसाइकिल सवार रिपोर्ट। गुज़श्ता 10 माह के दौरान 57,461 अफराद हादसा का शिकार हुए। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 फारूक अहमद कहते हैं, लाहौर समेत तमाम सूबों में हर एक मिनट बाद मोटरसाइकिल सवार के हादसे की इत्तला मिलती है। ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए एक और अंडरपास की तामीर का प्लान। एलजीए की गुलाब देवी जंक्शन पर अंडरपास बनाने की तजवीज। 3 लेन पर मुश्तमिल अंडरपास पर 1,10,00,000 रुपए खर्च होंगे। नेस्पा के तआवुन से अंडरपास का डिजाइन तैयार कर लिया। पंजाब भर के बुनियादी मराकज सेहत को सिमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। मंसूबा 8 माह में मुकम्मल होगा। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी गुलबाग में एमओयू पर दस्तखत करने की तकरीब। वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक कहते हैं, पंजाब को सोलर बनाया जाएगा। पहले फेज में 30 बुनियादी मराकज सेहत को सोलर पर मुंतकिल कर रहे साबिक हुकूमत ने तमाम सूबे ठेकेदारों को नवाजने के लिए शुरू किए। तालीमी निसाब में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर किया जा रहा है। तमाम पॉलिसियों में रियासत मदीना के उसूलों से रहनुमाई ली जा रही है। हुर्मत रसूल पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। मुआविन खसूसी बराए इत्तला फिरदौस आशिक आवान का उलमा मुशाहिद कॉन्फ्रेंस से खिताब। अलामा ताहिर महमूद अशरफी बोले, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा है, फ्रांसीसी हुकूमत तौहीन आमेज़ खाके बनाने वालों की सरपरस्त है। इस्लाम बर्दाश्त मोहब्बत और सब्र का नाम है। हफ्ता शान रहमतुल आलमीन का चौथा रोज अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में खिताती की नुमाइश का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खास शिरकत। उस्मान बुज़दार ने इस्लामी खिताती के फनपारे देखे। कवालों ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया। वज़ीर आला ने कवालों की परफॉर्मेंस को सराहा। और सोहना लाहौर शहर की दिलकशी बढ़ाने की मुहिम पुरजोर। लिबर्टी चौक को रेनबो स्क्वायर के नाम से मंसूब करने का हतमी फैसला। स्क्वायर के अतराफ में कौसो कजा के रंग बिखर गए।